नमस्कार, मैं रंजन यादव। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेटाफोर्स के एक अनोखे सिस्टम नॉन वर्किंग इनकम के बारे में। आप सभी को पता है कि मेटाफोर्स में अपलाइन से और अपलाइन की साइड लाइन जिसे क्रॉस लाइन बोलते हैं वहां से भी एक शानदार इनकम आती है जिसे नॉन वर्किंग इनकम आती है। लेकिन सबसे मजे की बात है कि जो नॉन वर्किंग इनकम आती है वो अपलायंस से टीम मिलता है और वहां से नॉन वर्किंग आता है। अब किस कंडीशन में नॉन वर्किंग आता है, कैसे आता है, कब आता है, कितना आता है और सबसे ज्यादा फायदा नॉन वर्किंग का कौन व्यक्ति ले पाते हैं, ये चार पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारा जानकारी आपको डिटेल्स में मिलने वाला है। सबसे नंबर वन चीज है कि नॉन वर्किंग कैसे आता है। तो नॉन वर्किंग अपलाइन के तरफ से टीम ऑटोमेटिक जाता है, वहां से नॉन वर्किंग इनकम आती है, ना कि कोई कंपनी के तरफ से ऑटो पुल आता है। अब अपलाइन से जो टीम जाती है तो तभी जाएगा जब अपलाइन आपका एक्टिव होगा। तो नंबर वन कंडीशन कि आपके अपलाइन को एक्टिव होनी चाहिए, उनके मल्टीपल लाइन मूव करने चाहिए। जब मल्टीपल लाइन मूव करते हैं तो पोजिशन ज्यादा बनते हैं। दूसरा कंडीशन कि आप अपलाइन के कौन से पोजिशन में जगह लिए हैं, अपलाइन के टॉप पोजीशन में बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि आपने अपलाइन का कोई भी पोजीशन लिया हो, आपके नीचे जो अपलाइन के तरफ से लोग गए जो पोजीशन लिए हैं वो एक्टिव है या नहीं। अगर वो एक्टिव है तो फिर आपको नॉन वर्किंग जाता है, अगर वो एक्टिव नहीं है फिर नॉन वर्किंग नहीं जाता है। लेकिन बात यह आती है कि यहाँ पे नॉन वर्किंग के 8 स्लॉट है, यानी 8 जगहों पे 16 लोग पोजीशन लेते हैं। तो वो जो 16 लोग होते हैं वो अलग अलग लोग होते हैं, एक ही लोग तो होते नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो इतने सारे लोग आ रहे हैं सब लोग डीएक्टिव तो नहीं होंगे, इसमें से कुछ ना कुछ लोग एक्टिव जरूर होते हैं जिसके थ्रू नॉन वर्किंग इनकम जाता है। तो ये तीन क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा, कितना मिलता है। सर तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, नॉन वर्किंग कमाने वाले लोग अगर एक्टिव अपलाइन के साथ में है तो जितना लगाते हैं उतना भी कमा जाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा भी कमा जाते हैं, कई केस में कम भी कमा जाते हैं। इसकी कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। कब मिलता है, तो जब ये पोजीशन बन जाता है और जब वो व्यक्ति काम करते हैं तो इनकम मिलता है। इसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके पोजीशन पे और आपके अपलाइन के काम करने के तरीके पे, स्पीड पे। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा पॉइंट, कि सबसे ज्यादा बेनिफिट नॉन वर्किंग का कौन ले पाता है। अब सबसे बड़ा बेनिफिट वही व्यक्ति ले पाता है जिनके पास नॉन वर्किंग के ज्यादा स्लॉट है, जिनके पास में 4, 5, 6, 7, 8 स्लॉट ज्यादा हैं, उतना ही ज्यादा अपलाइन का पोजिशन लिए होते हैं और उतना ही ज्यादा उनको नॉन वर्किंग का पोजिशन बनता है और इनकम आता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे बड़ा बेनिफिट नॉन वर्किंग का वो लोग कमा पाते हैं जो कि वर्किंग है, क्योंकि वो बार बार रिसाइकल करके अपने अपलाइन का पोजीशन ले रहे होते हैं, इससे बार बार अपलाइन की तरफ से उनको टीम मिलता रहता है और वो बार बार नॉन वर्किंग इनकम कमा रहे होते हैं। लेकिन जो लोग नॉन वर्किंग के आस में केवल आईडी लगा के प्लेसमेंट करके बैठ गए और ये सोच रहे हैं कि हम बैठ चुके हैं हमको आता रहे हमेशा, तो वैसे लोगों के लिए दिक्कत है। आता तो जरूर है, टाइम तो लगता है, लेकिन बहुत बड़े अमाउंट में आप नहीं कमा पाते हैं। लेकिन जो लोग वर्किंग कर रहे हैं ना, उनका पोजीशन बार बार चेंज होते रहता है और पोजीशन चेंज होने के कारण अपलाइन की तरफ से आईडी अलग अलग मिलते रहता है और इस तरीके से वो बहुत बड़ा बेनिफिट नॉन वर्किंग का कमा पाते हैं। नो डाउट हमारे डायरेक्ट में बहुत ऐसे लोग है जो कि नॉन वर्किंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट लिया है, शानदार बेनिफिट लिया है। कई लोग तो ऐसे भी है जो 4 लाख 5 लाख 6 6 लाख रुपए तक नॉन वर्किंग कमाया है। हाँ, नो डाउट उनके स्लॉट बड़े हैं, ज्यादा स्लॉट रखे हैं और कमाया है। मैक्सिमम लोग जो डायरेक्ट्स में है उन सभी लोग लगभग नॉन वर्किंग कमाए हैं, आने वाले फ्यूचर में कमाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेटाफोर्स के जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे हर प्रोजेक्ट में नॉन वर्किंग का सिस्टम रहता है और रहेगा भी, बिकॉज मेटाफोर्स स्पेशल इसलिए है। आई होप कि आपको क्लियर हो पाया होगा हर डाउट नॉन वर्किंग के विषय में। और भी कोई स्पेशल जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।